परिवार गृह क्लेश के चलते चौटाला परिवार आमने सामने है और लोकसभा चुनावों को लेकर एक परिवार से दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। वहीं एक तरफ कुरुक्षेत्र से इनेलो ने पार्टी प्रमुख अभय चौटाला के पुत्र अर्जुन को उतारा है। बीते दिन जब कुरुक्षेत्र में इनेलो ने अपनी चुनाव प्रचार रैली की तो लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। क्या इससे यह आंकलन लगाया जा सकता है कि अर्जुन चौटाला भाजपा व कांग्रेस के राजनीतिक अंकों का खेल बिगाड़ने में सक्षम होंगे? इंडियन नेशनल लोकदल से भाई अभय सिंह चौटाला जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समीर ये विपिन सिंह जी बाल्यान आए और अपने विचार रखें। माननीय बाल्यान जी, 23 तारीख में आप लोग देखेंगे, यही चीज हम यहाँ चाहते हैं। हरियाणा के अंदर आप लोग जो ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसे नष्ट नाबूद कर दे और भाई अर्जुन चौटाला को बहुत बड़े अंतर से जिताने का काम करें। मंत्री छोटू राम के बाद इसी परिवार को मानते हैं, केवल इसीलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं। उत्तर प्रदेश से आए हैं, निवेदन करने के लिए आए हैं के चौधरी शक्ति बरारी और धुआं निकल गया तो हमारे को बचाने वाला एक ही हमारे पर नेता जी थे, हमारे चौधरी देवीलाल जी और उनका आगे परिवार। ये मेरी बड़ी आपसे बेनती है, हम सारे भारत में आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को बदला, इसलिए बदला था कि कांग्रेस पार्टी के राज्य में देश में बहुत बड़े बड़े घपले और घोटाले हो। 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, किसी को 60 लाख आ जाएंगे, किसी के 75 लाख आ जाएंगे, किसी के 90 लाख रुपए आ जाएंगे। और ये भी हिसाब लगा लिया कि बैंक में जमा करा देंगे और ब्याज पर बैठे खावांगे, काम करने की जरूरतें नहीं पड़ेगी। खाते खलवा दिए, पैसा एक भी नहीं आया। किसानों को बहकाया कि अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।